हर वर्ष 2 करोड़ जेड़ा रोजगार देने की बात की थी। 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर। 2 करोड़ जॉब पर ईयर। 2 करोड़। 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 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। 2 करोड़ तो छोड़िए, नौकरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। खत्म कर दिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली रहते हैं, गांव नहीं रहते, और यहाँ रह के कमाने के चलते रहते हैं। वहाँ कोई काम नहीं है, शुरू से काम किया वहाँ, और जब एज हो जाएगा तो क्या भीख मांगे खाएंगे रोड पे? काम कहते हैं नहीं कर, 30 साल के बाद उम्र, 40 साल के बाद काम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? कम से कम जहाँ भी प्राइवेट भी नौकरी करेगा आदमी, 60 साल तक काम करना चाहिए कि नहीं? पंजाब में नौकरियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हर विभाग में प्राइवेट निजीकरण कर दिया गया है, सरकारी नौकरियाँ खोली नहीं गई हैं। सिर्फ सिर्फ अभी जो भर्ती की जा रही है पंजाब में, वो पंजाब पुलिस में की जा रही है। पंजाब पुलिस में भी जो नौजवान बीएड एमएड करके भर्ती किए जाते हैं, उनको 3 वर्ष के लिए जो सैलरी है सिर्फ 10,500 रुपया दी जा रही है। 2019 में जो लोग, देश के लोग हैं, वो मोदी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, उनके खिलाफ वोट डालेंगे। मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोगों ने 4 बेटियां पैदा करके आज बेटियों को गली में रास्ता लिखने को जगह नहीं है, चलने को जगह नहीं है, जगह जगह लड़का सीटी मारते हैं। जब हम बूढ़ी के साथ में सीटी मारते हैं तो बच्चों के साथ में क्या करेंगे मोदी जी? मैं जब अभी पढ़ रहा था तो मेरा स्कूल से नाम कट गया, जब मैं नाम कहीं और लिखाने गया तो मेरा नाम लिखा नहीं, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ। जो मोदी जी ने कहा वो मेरे को लगता है कि हाँ सच होने वाला है, कि मैं भी चाय पकौड़े ही बेचूंगा। कम से कम 1,000 रुपए हमारा कूलर चल रहा है, बिजली का आ रहा है, 1,000 रुपए पानी के आ रहे हैं, 3,000 का करकट का कमरा दिया छोटा सा, जो हमारे 6 बच्चे आ भी नहीं पाते हैं। उस तरीके से हम यहाँ गंदे नाली के कीड़े की तरह जी रहे हैं। मोदी क्या कर रहा है? मोदी उनको कर रहा है जो 10 लाख रुपए आ रहे हैं। I completed BTech, but I don't have job. That's why I came here. Just because, you know, this is not only for me. A lot of people, students who studied with me, they don't have job. लेकर आएंगे आजादी, बेरोजगारी से आजादी, हमारा शिक्षा से आजादी, एकाकरण से आजादी। As when new liberal policy implemented in India, from that time, you know, the unemployment is increasing and it is a capitalist policy. When you want to implement your policy, when you are not getting success in that particular time, you have to make conflict between two communities like Hindu and Muslim. We are with the ideologies of Lenin and Karl Marx and socialist. Okay, in futures, if the matter, if the situation will not be changed, then we will go for a very huge movement, protest, whatever we can do, we will do. Modi kya kiye hain? Kuch nahi kiye, wo to apna raha tha, apna shauk mol kar rahe hain, pura Hindu duniya ghum rahe hain, ki hum ek kar rahe hain, wo kar rahe hain, notbandi mein bhi sare bhookhe mar gaye gareeb, paisa rehte hue note nahi mil rahe hain, लाइन में खड़े खड़े शाम को जी पैसे नहीं है एटीएम में, अरे ये क्या करेगा आदमी? अपना पैसा रहते हुए अपने रोना पड़ता है, ये तो ऐसी सरकार है। आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग बट आई एम वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, माय मेजर इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बट आई एम वर्किंग इन एन सॉफ्टवेयर कंपनी। व्हाट इज द मैटर इज द जॉब्स हैव बीन सोल्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट टू द कॉर्पोरेट। This is our right to get a job in India. We don't want to fly to any other country. Answer our question. What is making in India? We are here to make India better, make India better than other country. Give us job.
अब तक तो 25 सालों में हमने देखा था हमारे राज्य में त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट था, जिसके कारण हम देख रहे थे कि हमारे राज्य में शिक्षा बोलिए, हमारे राज्य के महिलाओं का अग्राधिकार बोलिए, हमारे राज्य के एम्प्लॉयमेंट बोलिए, हमारे राज्य के ट्राइबल जो बेसिक लोग हैं उन पीपल है उन लोगों का और अग्रसर बोलिए अच्छी तरह से हो रहा था। बट ड्यू टू बीजेपी एंड आईपीएफटी अलायंस गवर्नमेंट विद इन 5 to 6 months नाउ दे आर इन पावर, हम देख रहे हैं कि हमारे देश का हमारे राज्य का माहौल चेंज हो गया है। फूड क्राइसिस इंक्रीज हो रहा है, जॉब क्राइसिस इंक्रीज हो रहा है, हमारे महिला के ऊपर गौन अटैक्स बढ़ रहे हैं। मोदी साहब को सिर्फ अडानी अंबानी पूंजीपतियों के हितों की चिंता है, उन्हीं के मुनाफे बढ़ाने में लगे रहते हैं। इस देश के युवाओं के लिए जो रोजगार सृजन का काम होना चाहिए था मोदी सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ उन्होंने जानबूझकर चाहे वो नोटबंदी हो या दूसरे ऐसे तरीके अपनाए जिससे रोजगार कम हुए और आज सबसे विकराल रूप बेरोजगारी ने धारण कर लिया है।